नगर पालिक निगम रिसाली की प्रथम महापौर शशि सिन्हा ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। महापौर शशि सिन्हा ने रिसाली निगम क्षेत्र में विकास कार्यों को अपनी प्राथमिकता बताया है। लोगों तक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की बातें भी कही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के ब्यूरो चीफ शाहिर खान से महापौर शशि सिन्हा ने अपनी प्राथमिकताएं चर्चा में बताई। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम हैं रिसाली नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर शशि सिन्हा मैडम के साथ। राज्य के गृह मंत्री रामधर साहू के प्रयास से यहाँ पर रिसाली नया नगर निगम का दर्जा मिला, उसके बाद महापौर का चयन और फाइनली आज महापौर मैडम ने अपना पदभार ग्रहण किया है। तो शशि मैडम, आपको जो नया पदभार मिला है, आप किस तरह से निर्वहन करेंगे? जैसे प्रदेश मुखिया ने जब भी यहाँ पर आए हैं तब एक सौगात क्षेत्र को दी है और हर बार तो उनकी सौगात जो है लोगों के लिए काम भी आई है और विकास का मुद्दा लेकर यहाँ पर आगे ही बढ़े। तो आप जब नई महापौर है यहाँ की, तो कैसा विकास को आगे बढ़ाएंगे? जो बाबूजी का सपना है उनको हम पूरा करेंगे, एक आदर्श निगम करेंगे। जैसे ग्रामीण क्षेत्र ये बाहुल्य कहलाता है रिसाली, तो क्या इसको शहरी स्वरूप देने में अपना योगदान देंगे? शहरी स्वरूप देने के लिए आपके पार्षदों में कुछ भाजपाई हैं और कुछ जो हैं आपकी पार्टी की कांग्रेसी हैं, उनसे कैसा तालमेल रहेगा? 40 वर्ष के पार्षदों से अच्छा तालमेल सिन्हा जी, उन्होंने दावा किया है कि क्षेत्र में रहते हुए चहुमुखी विकास करेगी और सभी पार्षदों के से मिलकर तालमेल मिलाकर ही काम करेगी।